मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं बगान टैक्सी यूनियन का ऑपरेटर हूँ। और हमारे यहाँ पर 9 तारीख को एक कॉल आती है, उसमें दो आदमी जो है यहाँ से अम्बाला के लिए टैक्सी बुक करते हैं, तो अम्बाला के लिए वो रवाना होते हैं यहाँ से करीब 1 बजे के करीब। तो वहाँ पर 5:30 बजे के करीब वो हमारी गाड़ी उनको लूट कर ले जाते हैं, जिसमें हमारे जो ड्राइवर है मनोज कुमार जी को वहाँ पर मिर्ची लगा के उनकी आंखों में मिर्ची डालकर उनकी गाड़ी को लूट कर ले जाते हैं। उसके पश्चात इनका कॉल हमारे यूनियन के नंबर पर आता है, उसके बाद हम उन्हें यहाँ से 4 लोग अम्बाला के लिए रवाना होते हैं और पूरी तरह से उनकी हेल्प करते हैं और गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो 11:30 बजे के करीब हमें गाड़ी वो मिल जाती है और उसके बाद हम उस गाड़ी को थाना में वहाँ पर जमा करके वापस आ जाते हैं। तो ये जो लूट हुई कहाँ से हुई और गाड़ी कहाँ मिली, गाड़ी का नंबर क्या था और किस तरह से लूट की उन्होंने? ये गाड़ी जो है अम्बाला से थोड़ा सा आगे शाहबाद के पास वहाँ पर लूट की थी और इसी का गाड़ी का नंबर था HP01S2888 इनोवा गाड़ी ये थी। तो ये जो गाड़ी लूटी गई है तो इसमें किस तरह से लूटी गई है, कोई हथियार का इस्तेमाल भी किया गया है और इसमें जो है पुलिस का क्या रोल रहा है? इस गाड़ी को सबसे पहले इन्होंने मिर्ची डाल के ड्राइवर को आंखों में मिर्ची डाली, उसके बाद गन पॉइंट रखा और उसके बाद इन्होंने गाड़ी को चोरी किया, लूट लिया। उसके बाद पुलिस ने हमने यहाँ से कॉल करी, पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, उसके बाद प्रशासन ने उस गाड़ी को ट्रेस करने का पूरा प्रयास किया, जो कि शाम को हम इसमें सफलता पाई हमने 11:30 बजे के आसपास। तो गाड़ी कहाँ से कहाँ को बुक हुई थी और कहाँ कहाँ रुकी और कोई इसका क्ल्यू नहीं मिला या मोबाइल नंबर या कुछ कैसे? सर जो लूटपाट के जो ये आरोपी थे ये बहुत शातिर थे, इन्होंने अपने नंबर से कोई कॉल नहीं की, इन्होंने दूसरे को किसी के नंबर से कॉल करी और यहाँ से गाड़ी बुक करी और गाड़ी यहाँ से ततियार में जाकर लंच करने के लिए रुकी। उसके पश्चात ये गाड़ी कहीं नहीं रुकी, उन्होंने सीधे अम्बाला से आगे शाहबाग के आसपास गाड़ी को रुकवाया और वहाँ से कहा कि हमने यहाँ से कुछ कंपनी का सामान लेके जाना है, गाड़ी तो अम्बाला के लिए बुक। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें जो गाड़ी को बरामद करने में किसका अहम भूमिका है? इसमें हमारे पुलिस प्रशासन के हम बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया, साथ में जो यहाँ पर GPS ट्रैकर के माध्यम से हमें जो गाड़ी की लोकेशन मिली उसमें हमारे यहाँ पर GPS जो भी ऑपरेट कर रहे थे पारस बंसल जी, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया और हमारे यूनियन के सभी सदस्यों ने हमारा बड़ा सपोर्ट किया और हमें एकता का परिचय देते हुए हमने बहुत सबके हेल्प से गाड़ी को बरामद किया। Make sure to drop a like and comment and don't forget to subscribe to the News Radar.